दोस्तों, जो आप ब्लैक डायमंड जो सुनते हैं वो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये प्लाई, इसमें से हम ब्लैक डायमंड को निकालेंगे। यहाँ से कुछ ऐसा कटर पे चल के ये ऐसे पीसेस निकलेंगे जो आप देख पा रहे हैं इस तरफ को। तो बस उसके फिलर्स कटने के बाद जो है ब्लैक डायमंड का कुछ ऐसा काम चलता है यहाँ पर। यानी आप देख रहे हैं लेदर का पूरा, उसके ऊपर जो है जितनी स्किन चढ़ती है वैसे चढ़ती है। उसके बाद कुछ ऐसा दिखता है ब्लैक डायमंड जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, उस पर इसके ऊपर ऐसे पन्नी चढ़ा दी जाती है। फिर आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो है ब्लैक डायमंड इस असेंबली एरिया में आता है। अभी देखने में कुछ ऐसा लग रहा है आपका ब्लैक डायमंड जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ करने के बाद। उसके बाद यहाँ आपको लेके चलता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर जितना भी हमारा ब्लैक डायमंड असेंबल हो रहा है ये आप देख पा रहे हैं। अब असेंबल होने के बाद ब्लैक डायमंड कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि अभी आगे आप देखेंगे रिंग लगने बाकी हैं। इसके बाद जो आपको फाइनल दिखाते हैं, अब ब्लैक डायमंड फाइनल होने के बाद कैसा दिखता है। फाइनल जो है ब्लैक डायमंड रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो सामने आपके आ चुका है, जो कि रिंग वगैरह सब कुछ लग के एकदम से रेडी हो चुका है। साथ में आपको कोर्डलेस माइक भी यहाँ पर फिट हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे। तो कोर्डलेस माइक अपने अनुसार